हेलो फ्रेंड्स, साइंस टाइम में स्वागत है आपका। आज का जैसे मेरा टॉपिक है गार्डन, यूएसए के गार्डन। मैंने आपको बताया था मैं आपको बताऊंगी किस तरह के होते हैं वहाँ पे। मैंने जब लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के गार्डन हैं वहाँ पर। तो आप देखो, हेलो फ्रेंड्स, देखो आपने देखा अभी ये गार्डन जो मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से यहाँ पे गार्डन में लोग घूम रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और गार्डन के बाहर ये एक सॉफ्टी वाला, आइसक्रीम वाले सब खड़े रहते हैं, लोग वहीं से लेके सब चीज़ें खाते पीते भी रहते हैं। अभी देखो आप किस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे हैं कि झूला झूल रहे हैं, आराम से अपनी मस्ती में सब बच्चे इधर उधर लगे हैं। फाउंटेन होते हैं वहाँ पे, लोग बच्चे फाउंटेन से भी अपना खेलते रहते हैं, नहाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चे अपना पूरा चीज़ें लेके आ जाते हैं यहाँ पे खेलने की, खेलने से रिलेटेड सब चीज़ें लेके आ जाते हैं और खेलते रहते हैं। कई लोग तो वहाँ पे चद्दर बिछा के बैठ भी जाते हैं, जैसे हम लोग इंडिया गेट में जाके बैठते हैं ऐसे वहाँ पे भी ऐसे ही आराम से इंजॉय करते हैं। 11-12 बजे आ जाते हैं और फिर शाम को आराम से 7-8 बजे तक जाते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, बच्चे आराम से इंजॉय करते रहते हैं। जो पानी का होता है वहाँ पे, जब पानी जहाँ पे फाउंटेन लगे वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो लोग वहीं पे बच्चे अपना खेलते रहते हैं, मस्ती करते हैं, कपड़े ले आते हैं, चेंज कर लेते हैं वहीं पे ही, बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें। अभी देखो ये मेरे हस्बैंड भी सॉफ्टी लेके आ रहे हैं। अभी आप देखो ये इधर वो है हैंडपम्प, एक अजीब ही तरीके का हैंडपम्प है। इसको ज़रा सा ऐसे हम हिलाते हैं, जब पुश करते हैं हिलाते हैं तो वहाँ से पानी भरते हैं, लोग पानी पीते हैं, इतना बढ़िया लगता है कि मैंने भी पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं हैंडपम्प। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला पानी भरो, लेकिन उन्होंने नहीं भरा, तो उनको था कि वीडियो आ जाएगी इसलिए लेकिन अच्छा लगता है। अभी देखो कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे, आराम से उसको हिलाते हैं और पानी एकदम से निकल जाता है। और नीचे देखो वो जाली भी बना रखी है ताकि पानी बाहर ना आके जाली के अंदर से ही वहीं पर जाए। ज़्यादा वीडियो मैंने लोगों पर फोकस नहीं करी क्योंकि मुझे था पता नहीं इन लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी ये तब की वीडियो है, तो इसीलिए अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी दोबारा तो मैं आपको अच्छे से वहाँ के गार्डन दिखाऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं लोगों को, कि कई बार होता है इंडियंस को भी पसंद नहीं होता कि हमारी वीडियो वहाँ पर कोई ले रहा है तो दिखाए, तो थोड़ा पता चल गया कि वहाँ पर लोग मना नहीं करते, वीडियो बनाने देते हैं। तो देखा आपने फ्रेंड्स किस तरह के गार्डन है वहाँ पे। मेनली तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, फोकस करना चाहती थी वहाँ के हैंडपम्प पे। हैंडपम्प देखा आपने, यहाँ के हैंडपम्प कैसे होते हैं, कितना वहाँ पे पुश करना पड़ता है, इतना कि बस थक ही जाते हैं। और वहाँ पे 2 मिनट में पुश करो पानी निकल आता है, कितना बढ़िया लग रहा है, मन करता है कि हम भी अपने घर में इस तरह के हैंडपम्प लगा लें, बढ़िया किस्म के, अच्छा लगता है वहाँ पे, एंजॉय करते हैं लोग और अच्छा लगता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शाइन स्टार पे जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने अपने नाम से कोई इसमें नहीं रखा, तो मैंने अपने चैनल को नाम दिया शाइन स्टार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वीज़ा जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ओके, बाय बाय।